हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर नव भारती परिवार में और मेरी अकाउंट्स की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। रनिंग चैप्टर नए साझेदार का प्रवेश, पिछले वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नकद में लेके आता है तो एंट्री कैसे की जाती है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसका जो सेकंड मेथड, इफ न्यू पार्टनर इज अनेबल यानी असमर्थ, अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नगद नहीं ला पाता है या नगद नहीं लाता है या नगद में लाने में असमर्थ है तो एंट्री किस हिसाब से करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक्स और वाई दो पार्टनर थे 3:2 के अंदर और जेड को एडमिशन दिया गया था Z4 1/4। इनकी बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी जो गुडविल दिखाई हुई थी, जो किसने जनरेट करी थी, जो इन्होंने एक्स और वाई ने जनरेटेड गुडविल इन्होंने दिखा रखी थी 50,000 रुपए के ऊपर। और मैंने ये बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाया जा सकता है। तो यदि नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नकद में लाने में असमर्थ है तो भी स्टूडेंट्स याद रखना है कि यदि एग्जिस्टिंग गुडविल यदि क्वेश्चन के अंदर दी हुई है तो सबसे पहले अपन इसको राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था ओल्ड फर्म ओल्ड रेशो के अंदर ये राइट ऑफ हो जाएगी। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, एक्सिस कैपिटल अकाउंट DR, वाइज कैपिटल अकाउंट DR, और गुडविल को जब राइट ऑफ करेंगे तो ये 2 गुडविल अकाउंट, ये 50,000 रुपए यहां से अपन इसको राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो एसेट्स का जो बैलेंस होता है, एसेट्स के खातों का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमने 50,000 रुपए से इस गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और ओल्ड फर्म ओल्ड रेशो क्या है, 3:2, 30,000 रुपए और 20,000 रुपए, इस तरह से ये मैंने इसको राइट ऑफ कर दी फॉर रिटर्न ऑफ द गुडविल। अब ये एंट्री दोनों मेथड के अंदर एक थी, यदि वो नगद में गुडविल लाता है या नहीं लाता है तो भी यदि एग्जिस्टिंग गुडविल है तो अपन इसको राइट ऑफ करेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन सपोज 3 लाख रुपए के ऊपर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, 3 लाख रुपए की गुडविल के अंदर 1/4 हिस्सा किसका है, जेड का, तो 4×7=28, 2×4=20, इसके हिस्से की गुडविल कितनी बनती है, 75,000 रुपए जेड के हिस्से की गुडविल बनती है। अब ये अपने हिस्से की गुडविल लाने में असमर्थ है, अनेबल है, तो एंट्री क्या करेंगे, बोर्ड के ऊपर देखें, मैं एंट्री करूंगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR, जेड्स करंट अकाउंट DR, इसका हिस्सा कितना है, 75,000 रुपए इसका हिस्सा बनता है। जेड्स करंट अकाउंट DR 75,000 रुपए, जेड का करंट अकाउंट DR होगा स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट को DR नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। जेड्स करंट अकाउंट DR 75,000 का मतलब क्या है कि भैया तू नहीं तो तेरा करंट अकाउंट गुडविल के पैसे देगा, ये पैसे तेरे नाम लिख दिए हमने, डेबिट कर दिए इसके खाते में से, जेड के करंट अकाउंट में से ये पैसा कटेगा, कैपिटल अकाउंट में से पैसा नहीं कटेगा। और ये जो उधार गुडविल थी ये भी सैक्रिफाइस रेशो के अंदर डिवाइड होगी, तो मैं यहां पर करूंगा टू एक्सेस कैपिटल
टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। जेड को एक बटा चार हिस्सा किसने दिया, एक्स और वाई ने दिया, और सूचना क्या वहां में पुराना अनुपात ही क्या अनुपात माना जाएगा। तो इस 75,000 रुपए को मैं सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 के अंदर डिवाइड करूंगा, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 दो बचे 25, तो इसको कितने मिलेंगे 15,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 थी 45,000 रुपए, और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30,000 रुपए। ये एंट्री नंबर कितनी हो गई सेकेंड, पहली जर्नल एंट्री राइट ऑफ करने के लिए, और दूसरी जर्नल एंट्री क्योंकि इसकी गुडविल उधार है तो तू नहीं तो तेरा करंट अकाउंट देगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर, नए पार्टनर का यदि नाम सोहन है तो सोहन करंट अकाउंट, यदि नए पार्टनर का नाम अतुल है तो अतुल करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री मैंने करी जिसके अंदर पहली एंट्री तो सेम है, इसलिए आपको आसानी से ये याद रह जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी ये अभी अपन बोर्ड के ऊपर देखते हैं। स्टूडेंट्स इसको कितने मिले, एक्स को मिले 45,000 रुपए और वाई को मिले 30,000 रुपए। अब यदि क्वेश्चन के अंदर ये बोला कि इन पार्टनर्स ने अपनी गुडविल वापस निकाल ली तो अपन को एक एंट्री और करनी पड़ेगी, और ये एंट्री अपन ने पहले भी करी थी जब वो गुडविल नगद लाया था, और नगद गुडविल उनके बीच में नगद गुडविल भी सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी और उधार गुडविल भी सैक्रिफाइस रेशो के अंदर इनके बीच में डिवाइड हुई। अब यदि ये दोनों पार्टनर अपनी गुडविल के अंदर से 30% पैसा वापस निकाल लेते हैं, 30% पैसा वापस निकाल लेते हैं तो एंट्री कैसे करेंगे, एक्स को कितने मिले 45,000 रुपए मिले, इसका 30% कैलकुलेट करेंगे तो 10% कितना हो गया, 10% हो गया 4,500 रुपए, और 30% के लिए 3 से गुना कर देंगे तो 3×5=15 का 5 1 3×4=12 1=13। वाई को कितना पैसा मिला 30,000 रुपए मिला, 30,000 रुपए का 10% कितना हो गया, ये 3,000 रुपए 10%, 10% के लिए इधर से एक डिजिट के बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे तो 10% कितना हो गया 3,000, 30% के लिए 3 से इसको गुणा कर देंगे तो 3 दिया 9,000 रुपए, 13,922,500 रुपए का कैश फर्म से निकल गया। तो मैं यहां पर इससे अगली एंट्री क्या करूंगा, एंट्री नंबर तीन करूंगा एक्सिस कैपिटल अकाउंट डीआर। पिछली एंट्री के अंदर एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, पैसा जमा हुआ था, अब इसके खाते में से पैसा कटेगा तो डीआर हो जाएगा कितने रुपए से 13,500 रुपए, 30% इसने निकाल लिया। और इसी तरह से वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर 30% कितना हुआ 9,000, ये 9,000 रुपए। तो स्टूडेंट ये जो डेबिट हुआ दोनों के खातों को मिलाकर कितने रुपए से डेबिट हो रहा है 22,500 रुपए से ये डेबिट हो गया। तो बट नेचुरल क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए 22,500 रुपए से, तो एंट्री बनी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर और टू कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा उधार कितना था 75,000 रुपए, 75,000 रुपए इन दोनों के अकाउंट में जमा कर दिया, 75,000 रुपए से 30% पैसा वापस निकल गया तो 75,000 का 10% कितना हुआ, एक के बाद में पॉइंट लगा दिया 10% हो गया 7,500, और 30% के लिए 3 से गुना कर दिया 3×5=15 का 5 1×3=21 और 1×22। ये 22,000 रुपए से कैश अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश क्या हो गया कम हो गया, और बार बार रिपीट कर रहा हूं कि संपत्ति जब भी कम होती है तो उस एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। आशा करता हूं
उधार गुडविल के अंदर एक ये जो एंट्री है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डीआर नहीं होगा। और यदि अपन ने गलती से कैपिटल अकाउंट को यदि डीआर कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि नया पार्टनर जो कैपिटल लाया उस कैपिटल को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। स्टूडेंट्स, जब गुडविल नगद लाता है और नगद नहीं लाता है, इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं बोर्ड के ऊपर एक चार्ट बना रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप जो मैंने ये चार्ट बनाया है इसको समझे भी और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में यदि कोई अपन को दिक्कत आए तो अपन इस चार्ट से आराम से देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम मैंने बनाया है ट्रांजेक्शंस, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नगद लाता है और यदि नगद नहीं लाता है और उधार है। फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर कैश गुडविल बट प्राइवेटली, नगद तो लाता है लेकिन यदि लाई गई गुडविल को निजी रूप से दे देता है तो ये कॉलम किसका है, यदि वो नगद लाता है तो यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। और यदि उसके हिस्से की गुडविल उधार है तो उधार होने की वजह से यहां कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि वो नगद तो लाया ही नहीं। सेकंड जनरल एंट्री मैंने ली है फॉर कैश गुडविल, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नगद लाता है तो कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, और बट नेचुरल यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो अपने हिस्से की गुडविल नगद में नहीं लाया है। तीसरी, यदि नगद नहीं लाता है, यदि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद में लाने में असमर्थ है, न तो नगद नहीं लाया है तो इस कॉलम के अंदर कोई एंट्री नहीं बनेगी, यानी कि यदि नगद नहीं लाता है तो यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, यानी कि उसके हिस्से की गुडविल उधार है तो उधार के लिए मैंने बताया था कि नए पार्टनर का करंट अकाउंट डीआर होगा, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चौथी एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, यदि वो नगद लाता है तो बंटवारा होगा, बंटवारे के लिए क्या एंट्री करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गुडविल अकाउंट डीआर टू, जैसे एक्स ने सैक्रिफाइस किया तो टू एक्सेस कैपिटल, और यदि वाई ने सैक्रिफाइस किया तो टू वाई कैपिटल अकाउंट, और मान लो यदि केवल एक्स ने ही सैक्रिफाइस किया या केवल वाई ने ही सैक्रिफाइस किया तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट या टू ओनली तो वाई कैपिटल अकाउंट को अपन क्रेडिट करें। अब इस कॉलम के अंदर देखेंगे ये कॉलम किसका है, यदि उधार है, यदि वो नगद नहीं ले पाया तो ये मैंने यहां पर एरो का निशान लगाया है, इस एंट्री की जगह कौन सी एंट्री होगी, पार्टनर्स करंट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसर्स, क्योंकि सैक्रिफाइसर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उधार गुडविल का बंटवारा इसी एंट्री के अंदर हो जाएगा, इसलिए यहां पर अलग से कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। अब स्टूडेंट्स, जो मेन एंट्रीज थी ये मैंने चार्ट के ऊपर बता दी है, यदि ये गुडविल वापस निकाल लेते हैं तो वापस निकालने की जो एंट्री होगी ये दोनों के अंदर सेम जनरल एंट्री होगी। यदि ये अपनी गुडविल वापस निकाल लेते हैं तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, और यहां पर भी यदि ये उधार गुडविल भी यदि वापस निकाल लेते हैं तो यहां पर भी यही एंट्री होगी, ये सेम एंट्री हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक एंट्री और बचती है जो बोर्ड के ऊपर नहीं आ पाई है, राइट ऑफ करने की, चाहे गुडविल वो नगद में लेके आता है और चाहे वो नगद में नहीं लेके आता है, तो सबसे पहले तो रूल क्या है, ओल्ड फर्म के अंदर होगी और ओल्ड रेशो के अंदर होगी, पुराने साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होगी, और एंट्री क्या होगी,
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR इन देयर ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट, राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन दो वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, खास तौर से एडमिशन के ऊपर कैसे होता है, ये समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। यदि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इट्स ओवर, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।